अमृता से तलाक लेकर अलग हुए थे सैफ अली खान, तो पोते पोती से मिलने को तरस जाती थी दादी जान। अमृता के साथ सारा और इब्राहिम को भी दिया था खो, तो बच्चों के ना होने से सूना हो गया था पटौदी परिवार। जी हाँ, बी टाउन में एक बार फिर चर्चा में छाया है पटौदी परिवार का नाम। भई आखिर जहां हाल ही में ये खुलासा हुआ कि पटौदी के नवाब सैफ अली खान की मां और दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हुई थी, वहीं जमाने के आगे ये बात भी खुली कि बेटी की अमृता संग शादी की खबर सुनकर वो बुरी तरह से टूट भी गई थी। और इन सब बातों का खुलासा तब हुआ जब एक्टर सैफ अली खान अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म मेकर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 8 के लेटेस्ट एपिसोड में पहुंचे, जहां काउच पर बैठकर मां बेटी की इस जोड़ी ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे लोगों के सामने किए। वहीं करण के शो में शर्मिला ने अपने उस दर्द का भी जिक्र किया जब वो अपने पोते पोती यानी कि सारा अली खान और इब्राहिम से मिलने के लिए तरस जाया करती थी, क्योंकि ये बात तो किसी से छिपी ही नहीं है कि जब सैफ और अमृता तलाक लेकर अलग हुए थे तो सारा इब्राहिम की कस्टडी उनकी मां अमृता को मिली थी। ऐसे में अमृता बेहद कम ही सैफ और उनके परिवार को अपने बच्चों से मिलने दिया करती थी। और अब इसी बात का जिक्र शर्मिला ने करण के शो में भी किया और कहा कि सैफ अमृता का अलग होना उतना आसान नहीं था, क्योंकि इतने लंबे समय तक आप साथ होते हैं और आपके इतने प्यारे बच्चे होते हैं, और ऐसे में कोई भी ब्रेकअप आसान नहीं होता। मुझे पता है ऐसे समय में तालमेल बहुत मुश्किल है, हर किसी का दिल टूटा हुआ होता है। वो दौर अच्छा नहीं था, ये परिवार के लिए खुशियों वाला पल नहीं था, क्योंकि हमने न केवल अमृता को खोया बल्कि सैफ के बच्चे सारा और इब्राहिम को भी खो दिया। शर्मिला के इस खुलासे से साफ जाहिर है कि जब अमृता से तलाक लेकर उनके बेटे सैफ अलग हुए थे तब पटौदी परिवार ने अमृता के साथ साथ सारा और इब्राहिम को भी खो दिया था। ना सिर्फ सैफ बल्कि दादा दादी शर्मिला और मंसूर अली खान भी अपने पोते पोती से मिलने के लिए तरसते थे। जहां सारा अपनी दादी शर्मिला की लाडली थी तो उस वक्त 3 साल के इब्राहिम में दादा मंसूर की जान बसा करती थी, लेकिन सैफ का घर टूटने की वजह से शर्मिला और मंसूर को भी अपने पोते पोती से दूर होना पड़ा था। हालांकि वक्त के साथ साथ चीजें बदली तो पटौदी परिवार के रिश्ते भी सुधरे। सारा इब्राहिम धीरे धीरे बड़े हुए तो वो अपने पिता और दादी से मिलने आने लगे, और अब तो अक्सर सारा और इब्राहिम अपनी दादी शर्मिला के साथ वक्त बिताते हुए देखे जाते हैं। सारा तो शर्मिला के साथ सोशल मीडिया पर प्यार भरी तस्वीरें भी शेयर करती हैं, जिनमें उनके बीच की बॉन्डिंग भी साफ दिखाई पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।